मैं भगवान का बताऊं बताऊ शादी करके बहुत ज्यादा पछतात हूँ एक है तो मुझे जिए नहीं देती है दूसरी तो मुझे मरे नहीं देती है सब करो धरो आ, अम्मा का कर ले बेटा शादी कर ले बेटा शादी एक खाना बनाई तो एक पाव दबाई पाँव का गला दबाती है वो दोनों की दोनों अपन तो बच के नहीं करके हंस मैं जात हूँ दिन भर का वा भैया अरे कलुआ भैया मैं टेर्रा अरे टेर्रा यार यही का कहा बता का हुएगा कलुआ भैया तुमका इतना कहे है आ उदास हो करूँ भाई उदास ना रहू तो कहा करू तो चला चला थोड़ी सर कहा बताओ कहा हुई है ये कुआ है? को या कलुआ भैया ये मौसी का लड़का है मौसी आई है ना मोर देखे देखे मैं तुम्हें एक चीज दिखाऊँ देखे आ, दिखा, दिखा दिखा का है? ओ भाई ओ भैया हाँ भैया बता अच्छा तो बता ता क्या खा बच्चा ही मैं मैं अपना मम्मी पापा का बच्चा हूँ देखो कलुआ भैया देखो हाँ ठीक है बच्चा ला था कहा था मैं मम्मी पापा का बच्चा हूँ देखे कलुआ भैया उदासी खत्म ना अब का हुई मैं तुमका हसवाए तो हूँ का हुई अब यार टर्रा उदासी का ना पूछ ना पूछ उदासी का ए, दोनों खुश नहीं रखती का अगर खुश रखती होती न मुझे दोनों की दोनों तो मोर आज इन तरह की पोजीशन वैसी दशा ना हो जैसी दशा हवे का हो हाँ बताइए तो अपन समस्या बताऊं अगर पहली वाली है तो वो अगर मुए बगल से बैठ गयी थोड़ी देर का तो दूसर वाली गुस्सा आ जाती और जहाँ दूसर वाली बैठ जाती मुए बगल से तो वह पहली वाली गुस्सा आ जाती तो यहाँ मैं आप फंसा हूँ फिर दोनों की बातें सुन ले भैया बाजार से सामान नहीं लाया हूँ ना मोहिला ने कल भैया तुम्हारे पहली वाली मेहरिया आगे आगे कहा आगे तुम्हें मैं बाजार से सामान तो ना कहा टाइमो तो बचो करा था भला वहाँ लगे सब टाइम है खटोली में बैठे बैठे चौरा करा था खटोली तोड़ा था ऊपर से ठंडी ठंडी हवा लेता हूँ ठंडी ठंडी कहाँ है गरम गर्म हवा आवती देख ले आ चार छह दिन से लगातार गांव में पानी बरस रहा हो बराबर कहा ठंडी ठंडी हवा नहीं आवती यार एक काम कर कहीं आके माचा में बैठ जा और खूब ठंडी ठंडी हवा ले मुही नहीं कहूं कहूँ जा का तु जा बाजार करता चाहिए ना बाजार से सामान अरे यार ता नहीं जानते यही अगर मैं बाजार बाजारे गये तो सामान लाओ का परि ना तो आखा एक्स्ट्रा सामान लाओ का पारा था दूसर वाली का कहे का दूसर वाली से कीन भी आओ कीन की अरे कहा कीम्मा करवा दी भी आओ जबरदस्ती वो वाह वा भाई वाह अम्मा अभी आओ करवा देता है अगर अम्मा भी आओ करवास रहा तुम्हार तो अम्मा का बैठो चाहिए ना मंडप मानी फेरा वही का लो चाहिए तुम्हारी अम्मा का कहे मंडप में बैठा तुम कहे फेरा ली देख 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 टेर्रा किन तरह बातें सुनावो थी देख कलुआ भैया दूसर वाली है वही बातें सुनने का मिलती है पूछा तो दूसर वाली कहा है या कहे खाती रात युद्ध चाहता लड़ाई करवा में आया घर वाली नहीं कलुआ भैया मैं लड़ाई करवा में नहीं आया हूँ मैं तुमसे कुछ बात करे आए थे पैसा तो बात करो निकल कर यहाँ से तुम पहले मोह बात करा कहा बता टेर्रा भैया हाय कुआ कलुआ के घर वाली आए जामा मोर भौजाई लाग थी तोरो भौजाई लागत थी समझ गए कोनो हरकत ना कीने भला चुपचाप ठार रहे नहीं तो जूता परवा दई है नहीं नहीं मैं कुछ ना करी हूँ तो चुपचाप ठार रहे बस देख ऐसा है तक खुद ही चाह जा बजारे या खुद ही सामान लिया मैं ना जा पाई हूँ मोसे पैसा ले ले मैं ना जाई खुद लेके जा वही तो लिया हुआ था बाजार से सामान और जब मैं कहा करती हूँ तुम ला करती आखिर मैं तुमका नीक नहीं लगो करती हूँ का ऐसी बेउुदेह की बातें है दिया तुम्हें नीक ना लगती तो पहली शादी में तु से कैसे कर ले तो भला बताता है सारा समूह सा का हया बनाए हो मोहिला ने बाजारे से सामान कहीं लगते हो जाओ बाजार से सामान लेके आओ मु जाए कहा जाऊँ पक्का चाहिए ना रुकी तो ना घर मानी कम से कम तीन चार महीना नहीं एक साल के लाने चाहिए मोर बस चले तो मैं ना नाऊ लेकिन अब मुहिखा वापसी आओ कपरी ऐसे तुम मोर सौतन ले आए हो कलुआ जी ओ कलुआ जी अल्लाह दूसर बवाल आगे कहा है आगे मोर सौतन कह रही हूँ कि सावन चल रहा है मुझे गंगा जी न लाएंगे क्या ए गंगा मैया मुझे माफ की न लेकिन ये चुड़ैल का गंगा जी तो ना, ना वही गाँव के नरवा मना हो कहा तुमने सुने सुना तो है लेकिन माया बाप का जवाब नहीं दे रही हूँ भलाई तो माया की जवाब भी न देने वो से मुह लगे क्यों कलुआ जी बताइये हाँ हाँ ना लही हूँ चलिए फिर ट्रेन की टिकट बुक करिए लवा चलिए हमको कलुआ लवा आ जाए यार दो मिनट के लाने शांत रहिए भैया मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है बताओ दो दो शादी करे है ये कलुआ जी सुन रहे हैं है सुन तू सुनो बता बता अखा ऐसा है कोनो नही कहूँ मुहिका का के जाए का है हाँ तो तुम जाओ ना मई तुम्हें किसने रोका है अच्छा तो तबिका मईके भेज के, के तब गंगा जी नहायी है मैं गंगा जी नहाए अभी तो कह रही कि मुझे मईके जाना है अब आप कह रही गंगा जी नहाने जाना है ऐ, 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 सुना 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 हाँ कलुआ जी बताइए ऐसा है लड़ा बड़ा ना मैं को कहू ना लवा जाइ नई है न ये कहूँ गंगा जी नहाए जाये क्यों क्यों नहीं मैं जा सकती गंगा जी नहाने अपने घर में थी तो मुझे हर साल जब भी सावन आता था तब भी मैं गंगा जी नहाने जाया करती थी लेकिन तुम तुम मुझे गंगा जी नहाने नहीं लिए जा रहे हो गंगा मैया मैं आ रही हूँ वही जो है तो अपनी जान दे दूंगी यही आ... है कही जमा है कम से कम कमे सर से एक ठबाल तो खत्म हुई हाँ आप तो चाहते ही है की मर जाऊं मर जाना जाके वहाँ है। ऐसा है मेरे बीच में ना बोला करिए आप भला मैं आपके बीच में नहीं बोलती हूँ नहीं तो मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूंगी ओ अंग्रेजी बिल्ली ताका मोर मुँह तोड़िए मैं तुम्हें हाथ पाँच तोड़ के बैठा दई हूँ मुझे गाँव की चरी चराई या हूँ तुम गाँव की चरी चराई तो काम में शहर की चरी चराई नहीं हूँ का भगवान लड़ाई न कर लड़ाई ना क्यों नहीं गंगा जी लवा चल रहे हो अरे यार समझो कर कुछ मैं तुम्हें तो गंगा जी लगा के चली हो तो वह गुस्सा दो, दो। मई के जाना की धागा की धागा करी हो मैं राखी धागा बांधने तब जाऊंगी जब रक्षा बंधन आ जाएगा भाला मैं अभी नहीं जा रही हूँ कहीं मुझे गंगा जी नहाने जाना है बात समझ में आया बीच में टप्पर टपर बोलना ऐसा है सुना था तुम कि नहीं सुनते मैं को सो मील दूर नहीं बैठा हूँ यहीं बतावा का बात ही बाट था मुझे सामने से सुन ले कान खोल के अगर मैं मईके गय मई के, हूं, तो के जाओ बाजार से सामान लेके आवा अगर यह मैके न गए और मुही पता चलगा कि तुम यही गंगा न में ले गए हो तो यह या या याद रख्या कि वह गंगा मानी तुम भैजा बस खुला धमकी यादें थी का मुइका खुला धमकी समझा अच्छा है बंद धमकी समझा गंगा मैया मुइका क्षमा करे लेकिन जो ये रहता तुम फैलाए हो ना अच्छी खासी मोर जिंदगी कटत रही अच्छी खासी दूसर खातिर तुम बिया के लिए आया आखिर का सोचत तो अपने आप खातिर मैं जब कहा तू कि मैं ब्याह करके नहीं लेके आयु अम्मा करवाई मोर अम्मा जाके था अम्मा से लड़ना मोहसे कहा कलुआ भैया अब कुए आ गाय यार एक तुम अपने घर से हाँ ननकू बता कहा है कलुआ भैया कहा तू कांवड़ लेके चलेगा का, कि नहीं लेके चलेगा बतावा तुम दस दिन निकल के सावन के भैया मैं तोरे हाथ जोड़ा तू और कांवड़ बाबा के हाथ जोड़ा था अब मुझे कुछ लेके नहीं जाएगा घर में जूठा स्वयं ही गंगा जाती तो एक मई के जाती लेकिन जाती को जा जा सर मा जाए कहा है आखिर कहे मोर या मोर खून पिए हा तुम मान रही हो कि नहीं मान रही हो आखिर फिर बीच में बोल दी ने कहा चाहती ए बान संभाल के भला जब बांध संभाल के बात करो मुझसे मैं कुछ नहीं बोल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे सर पे बैठ के डांस करोगी हुक्मयत चलाओगी मेरे ऊपर कलुआ भैया घर में तो बहुत बड़ी छीछल जा रामी सुना 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 क्या है लड़ाई करे से कोनो फायदा नहीं है मैं सीधा सीधा एक फैसला करत हूं अगर वो फैसला रहा है कहो तो बतावा नहीं तो अपनी भाड़ में जाओ क्या कहा था सुने का है नहीं तो मैं जाऊँ अपन हाँ बताइए बताइए मैं बाजार जा रहा हूँ जितना सामान मैं पहली वाली को लेके आऊंगा उतना सामान मैं दूसरी वाली को भी लेके जाऊंगा ना मैं कहीं गंगा नहाने जा रहा हूँ ना मैं किसी को लवाए जा रहा हूँ रक्षा बंधन आ रहा है दोनों जने अपना बैग पैक करो और अपने अपने घर जाओ राखी धागा बंधन सब करके फिर आना ठीक है मेरे घर में भी मेहमान आने हैं जैसे मौसी हुई गए बुआ हुई गये चाची हुई गये ठीक है सवन का है तो मैं घर मानी को बवाल नहीं चाहते हूँ तो कलुआ भैया कावड़ा लेके चलिए कि ना लेके चलिए भाई कांवड़ा लेके भी चलियो सब कुछ लेके चलियो लेकिन दोनों मेहरियन का पहला विदा कर दू हाव हाव हाँ। बतावा का फैसला करती हो जैया मई के की नहीं दोनों जने एक साथ बताया मैं तो मई के जाके लाने तैयार हूँ लेकिन मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ मुझे जाना है गंगा नहाने आप लवा के जाए अथवा ना लवा के जाए ये पिंकी गंगा नहाने जाएगी तो जाएगी सावन में कभी भी गंगा नहाना नहीं भूलती हूँ ठीक है तय गंगा नहाए जापन मई के जाम कहा जाता हूँ कांवड़ा लेके जाऊ बस हाँ कांवड़े लेके जाया या ना मुही तन को पता चल पा हुए तुम ये के पिंकी के साथ गंगा नहाए गए हो नहीं तो मैं तुमका वह गंगा न हुआ हूँ हु? वह गंगा मैया न हुई हो हु? कि तुम हूँ याद रखिया हाँ भैया मैं सिर्फ और सिर्फ कांवड़ा लेके जाऊ बाबा के बस ठीक है फिर बाजार से सामान लेके आवा जावा कह भैया बहनी है सही फैसला की नहीं, नहीं। तुम तो बताया जाका मैं कोनो बवाल नहीं चाहते हूँ मैं कम से कम तीन महीना से या बवाल झाला चलो आ रहा हूँ या दू दू शादी करके मैं पछता हूँ या से को करवाई सी मोर महतारी गुड़ के बाप कोलू वहा आए अब जो है तो का एक बार मिल भर जाए मालूम है तीर्थ यात्रा में चाहिए तीर्थ यात्रा मानी यही मैं तीर्थ यात्रा कराई जब यह आज ही लौट के या जो जोका फांस के चाहिए है ना यही बताइयों मैं अच्छे से अब तुमका एक बात बताऊँ भैया अब तक वीडियो बनानों का कारण मैंने तो बताई हूँ बात के लेकिन वीडियो ज्यादा लंबी हो जा रही है वे ठीक है और तुमका यह वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो कर देना लाइक कमेंट शेयर और चैनल में अगर पहली बार आए हो तो चैनल कर लेना सब्सक्राइब तो चले भैया जय हिंद जय भारत जय श्री राम ठीक है भैया एक बात और के फिर ना कहा कि हम चाहे गए और कोनो का चलेगा तो बता दिया सही है कलवा लास्ट दा पूछा था बता दे अगर चलेगा हो जायका जयका और हम चलो तो फिर हम कोनो को पीछे मुड़ के ना देखे नहीं कोनो का नहीं जाएगा तुम लोग जा जाऊ भोले हम भोले काकी कैसी हमार का दादू का बताऊं सबसे नीक कांवड़ा लेके जाता है भोले बाबा की मूरत लेके जात अलुआ जा बात ट्रा नहीं जाता कांवड़ा लेके सोचो तो की जाई लेकिन टेर्रा जाता ही नहीं है आनंद को भाई का बताऊँ थोड़ी सी दिक्कत हुई है नहीं तो कांवड़ लैके मू चलते पिछली बार गये ना रहा हूँ लेके याद है ना तुमका तो आ गए रहा लेकिन रहा की पिछली बार हम जल लेके गए या बार हम भोले बाबा की मूर्त लेके जाते बार कपशन से बहुत मजा आवत या बार रोड आ जा करा है मालूम है कहाँ ले जाते हम कांवड़ या बार हरिद्वार ए कलुआ अम्मा भी जाती कांवड़ लेके आ आपू अम्मा भी आ जाती कांवड़ लेके कहा ना कि कलुआ या दादू मू चली हुँ या बार कांवड़ लेके तो मैं कहा ठीक है अम्मा चली चल चई जई भला ऐसा भोले बाबा पार लगाई है चई जई भला मोह इतनी ताकत थी कि कहा बताऊं हरिद्वार का मैं अमरनाथ केदारनाथ बद्रीनाथ हर जगह हुई के आ सका थी वह पैदल पैदल आ भोले बाबा बहुत शक्ति है वो तुमका कुछ पता है का सही काकी कहा थी हूँ तो सारे शांत ही रहे सही काकी कहा थी हू काका तुम्हारी हिम्मत नहीं है का? काकी तो हिम्मत बांधे कांवड़ कावड़े लाई जाके लाने आदू जब हम तुम्हारी उम्र के रहे हैं ना सरग में छेद करो है दौड़ लगा के कांवड़ लेके जाओ करते दौड़ लगा के से कम दस दस बीस बीस किलोमीटर दौड़ो करते हैं एक सांस में मालूम है काका उतनी फेंका करा जितनी बन सके लांदू हो तो तुम्ही बतावत और बात सच आये की झूठ यार कहा भीड़ लागी भोले बाबा की मूर्त लेके कहा आ जाते आदू हरा कांवड़ा लेके आ जाता हूँ कहा काका कावड़ा लेके आ जाते भोले बाबा की मूर्त लेके आ जाता हूँ कांवड़ा लेके जल लेके नहीं जाते काका या बार जो है तुम्हें तो भोले बाबा की मूर्त लेके आ जाए कर है बड़ा मजा आवा था तु का पता पहु भाई जरा ननकू दादू का बता तो है हम लोग दस दस किलोमीटर बीस बीस किलोमीटर कांवड़ यात्रा लेके दौड़ लगा के गए नी यही सोकर और ग्रुप अलग रहा करता उनका ग्रुप अलग रहा करता ए बच्चा यार इनका का बताओ का बताइयो काका जब तुम गाय नही तो कहा बताइयो बताओ ना दू हमसे ज्यादा कोनो कांवड़ लेके नगा हुई मैं जो तो एक सौ सत्तर लीटर जल लेके जा जाकर तू कांवड़ यात्रा मानी या मोर भाई तू दो सौ लीटर जल लेके गा हो कांवड़ यात्रा माँ अब शांत हुई अब ना कहा नहीं तो बताए मैं तुम्हारा पोल पट्टी खो ले आये तुर्रा वाली भाजी तुम मैं तो तुमका ध्यान ही नहीं दी हाँ लेके जाती हूँ देर होती हमका निकरा, नहीं तो समय लागू पहुँचत पहुँचत हाँ कलुआ चली तो हम लोग से कांवड़ लेके कौन दुआरे आ हो हरिद्वार अरे भाजी हरिद्वार आ जाती हूँ हाँ हरिद्वार सीधा तुम तो जलवा काट देना भाजी तुम्हारे हाँ साथ लेकिन एक दु औरतन का और हो चाहे तो हम अलते कांवड़ यात्रा या बार लास्ट बार तुम्हारे साथ चला ना अबे कौन दे रही हवे उठा लिया कांवड़ यात्रा तो चलू काका चलो चलिए कहे कहे ना चलो चलिए दादू कहे तो मुझ बूढ़ा समझ ली ना का अब भी वहा जान ही वहा रुतबा है अस तो अबे एक हजार किलोमीटर हुई के आ जाऊं फिर सिर्फ दस दिन में मही कहा है मैं मना थोड़ा ना करियो जावल लिया हुआ कांवर चली हमारे साथ तो और दो चार जने हुई जाए हम तो यह चाहते ही अब बोला था भाई चला था यार अभी बुढ़ापे दमका बताऊं बताऊ तम तुम्ही जा करता चाहो जम्मा ना जनो है बोल गए का बोल नहीं गए यार लेकिन जो है तो अम्मा तुम्हें कहा बताऊं असल मानी घर भी जाके कपरी ना कोनो घर में है नहीं है उन लड़का और मिहरिया तो जाते ही यहां है कम से कम मैं तो घर में रहूं एक जने घर में तो रुको का चाहिए ठीक है तो घर में रुक मजा सू इनके साथ कांवड़ लाई के दादू या भोले बाबा की मूर्त कहाँ से लेके आओ हुआ काका मुहे घर में बहुत सारी रखी है मैं तो सोचे थे आठ दस जने चल गए से भोले बाबा की मूर्त लेके कांवड़ यात्रा में लेकिन हम तीन ही जने तैयार भाई हैं तो इनका चले कहा है तो बता अब दादू मैं ना रुकी हूँ अब मुही भोले बाबा बुलाव थे अब बता कहा है भोले बाबा की मूर्त मैं अब कन्हैया बैठा अबे यात्रा के नो कांवड़ यात्रा के बता कहा है कहा घर मे जाऊा ला घर से ओ दादू अबे गाय बम भोले भोले अबे बता दिया बात के फिर न कहा कि हम चाहे गए और कोनो का चलेगा तो बता दिया सही है कलुआ लास्ट न पूछा था बता दे अगर चलेगा हो जाएगा जाएगा जयका हम चलो तो फिर हम कोनो को पीछे मुड़ के ना देखे नहीं यार कोनो का नहीं जाएगा तुम लोग जा जाऊ आराम से जाया भला आ कोनो दिक्कत दिक्कत हो तो बता देना फोन ऑन कर दीने अरे मुही का दिक्कत हुई सब भोले बाबा पार कर गए ओ भोले बाबा कैसी माची है दैया दैया हो भोले बाबा कैसी माची है दैया दैया कांवड़ लेके आऊंगा कांवड़िए भी संग ले आऊंगा डीजे पे गीत बजाऊंगा उससे छानी आवेगी काका काका बस हुईगा का, हुईगा का, काका पकल तो दादू मैं तुम्हें तो कहा बताऊं भोले बाबा का बस उठाए भरू लागा था ससु चिटका तो कूदा था फांदा तो पहुंचू हरिद्वार आ अरे बहुत ताकत आ गई शरीर में काका चली फिर आओ नहीं तो का अब देरी नहीं करे का बिल्कुल चल दे कहा चला ठीक है भाई अब हम जाते हैं भला का लाइके ठीक है जा फिर सुना एक बात मैं कांवड़ ली हूँ और घर मानी जब मैं लौट के आई हूँ तो बिल्कुल साफ सफाई रहे भला हाँ आओ बिल्कुल साफ सफाई रही तुम्हें तो मईके जाए कहा ना न जाता मईके अब हम जाते कांवड़ा लयके भला रक्षाबंधन के बाद क्या आए जब मैं आ जाई जाऊँ तो कहा रक्षाबंधन तक वही रही है का घरे आई है लौट के बंधन तो मनैया कि न मनैया हाँ मैं रक्षाबंधन के पहले पहले आ जाइ लेकिन जो है तो तय रक्षाबंधन करके आए मोहिना समझाओ का, का नहीं करे का मैं सब समझी समझाई हूँ अरे सुना 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 आका थोड़ी पीछे चला ए बिटिया तो फिर जा कांवड़ ला के मुहि नहीं लगा चलते ए, भगवान मैं कहा बताऊ ऐसी स्थिति में तुम्हें कहा लवा के चलू बता मैं कांवड़ लेके जा तू चले जाऊ चल पैदल कांवड़ लेके था खातिर जलिया घर से एक था भोले बाबा की मूर्त चल कांवड़ लेके बता मोहि नहीं जाए कहा मुहि गंगा नहाए जाए का है प्लान तो कहा आगे हो का आया कोनो आगे तो कोनो पीछे कर रहा था मुई का एक जगह ठा रहा

बेचारा कावड़े हुआ कैसे ऐसा से अब आई हुई कांवड़ नीचे थोड़ा धरी घर ही जाती कहा बीच में पड़ा बहुआ ओ बहू क्या है पापा जी कांवड़ ले जाए वाले खातिर बीच में टोको नहीं जाती भला उनका कांवड़ ला के जाने दे ता जो तो गंगा नहा चले कहा तो मैं तुका लवाज चला तू गंगा नहाए पापा मैं चली हो गंगा नहाए तो नहाय तुम दोनों का लवाज चला तू गंगा नहाए और बतावा हुआ जहाँ ही जाते वही हम चला थे बापू कावड़ा लेके चलते जब तू चले कर रहा तो बेटा मैं कांवड़ा लेके नहीं जा सकते हूँ मैं कमजोर हुई गए हूँ अब लोग गाड़ी ट्रेन से पहुंचा था तुम लोग पहुंचा बढ़िया कांवड़ा भैया बात मानी गे मुका गंगा मैया नहाए कर रहा है चाहे जैसे न नहाइयो गंगा मैया पिंकी जो है इतनी तो जिद्दी है इतनी जिद्दी है कि का बताऊं हाँ तो ठीक है तुम हूँ आवा था आओ आओ आवा हम पहुंचा था हम जब पहुंच जाइबे तो हम तुमका जो है पहुंच के फोन कर देवे तुम आ जाया भला बाबा बने तो गाँव मेरा ना। तुम्हारा नाम कलुआ है ना बच्चा मेरे नाम को लेके मुझे मत बुला मुझे तू महान्त बाबा बोल इतना बड़ा महान्त बाबा हूँ कि तेरे आगे का पीछे का उसके पीछे का और उसके पीछे का तेरा पूरा चरित्र पूरा बायोडाटा तुझको दे सकता हूँ और तेरे साथ आगे क्या होने वाला है ये भी मैं तुझको बता सकता हूँ मैं दस दिनों से घोर तपस्या कर रहा हूँ तब जाके मुझको ये शक्तियाँ मिली है अगर तुझको यकीन न हो बच्चा तो मेरे बारे में कुछ भी पूछ मैं तुझे बताऊंगा और तेरे बारे में तो कुछ भी पूछ मैं तुझको बताऊंगा अच्छा बाबा इतना तुम्हें विश्वास है अच्छा तू पूछ मूर्ख बालक तुझको क्या पता कि बाबा जी की पहुंच कहां तक है अच्छा प्रधान जी मैं मूर्ख हूँ मूर्ख है तेरे ज्ञान नहीं है तेरे दिमाग नहीं है अगर तेरे दिमाग होता तो बाबा जी से ऐसे प्रश्न उत्तर नहीं करता हाँ जी मैं तुम क्या जानत हूँ तुम असली के प्रधान हो लेकिन मैं यही का भी जानत हूँ कि असली का कलुआ है लेकिन यह जो है तो बाबा का याखा जो है तो सत्य प्रमाण पत्र चाहिए बड़ी सी महु का यकीन हो होंगे धान जी आप मत बोलिए बीच में इस बालक को मैं समझाऊंगा इस बालक से मैं बात करूंगा बोल बालक तुझको क्या पूछना है मेरे बारे में और तुझे अपने बारे में भी यहाँ पर जितनी जनता बैठी है इसके बारे में भी बता दूंगा कि ये सब कौन है कहाँ से है और इनका आगे क्या होने वाला है अब मैं सीधा मुद्दे में आवत हूँ बालक तू तो कुछ भी पूछ मैं तुझे सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा का पूछू का पूछू हाँ बाबा यह बताओ बाप के बीमारी का नहीं ठीक होती है इतना इलाज करा पाए बाप का इतना इलाज करा इतना रुपया खर्चा कर कम से कम नहीं तो सात आठ लाख रुपया बर्बाद कर चुका हूँ घर गिरवी है जमीन गिरवी हो चुकी है आखिर में बाप का आराम कहने नहीं लागत है चाह उनकी तैयारी करो और बस उनको विदा करो वो जाना चाहते हैं उनको जो है तो प्रभु अपने शरण में लेना चाहते हैं आपने इतना पैसा फूका कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्यों वो तो उनका शरीर है अब उनका शरीर सेवा मांग रहा है बालक उनके शरीर की सेवा करें आप और उनको जो है तो अच्छा अच्छा खाना पीना खिलाएं हरी सब्जी जूस पालक पनीर जो भी आपसे हो सके उचित में हैं तो वो आप सब खिलाइए उसको और उसकी सेवा करिए और बस भगवान का नाम लीजिए बाबा मोर जो दस लाख रुपया बर्बाद भा है वो आखा को भरपाई करी बाबा जी ने बोला ना कि आप अपने पिता की सेवा करिए तो सेवा करिए आप पैसा क्यों फूंक रहे हैं अच्छा प्रधान जी ठीक है मैं सेवा करी हूँ सब कुछ करी हूँ लेकिन जो मोर दस लाख रुपया बर्बाद कैसे कबर हुई बाबा जी बतावा कुछ ज्ञान दिया अच्छा तुम अपने मार्ग पे चलो जितना तुम मेहनत करोगे सफलता तुमको उतनी मिलेगी जितनी सफलता मिलेगी आपके पास धन और दौलत दोनों बराबर में आएगी जितना गया है उतना आपको मिलेगा बाबा जी की जय हो 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 ठीक है बाबा मेरा एक प्रश्न और है पूछो बालक पूछो बाबा जितना भी मैं काम करत तू मुहिखा वाको या को फल नहीं दिखाई देता है आखिर कहे लग फल ऐसे नहीं दिखता फल जब दिखता है जब आप उस कार्य को अच्छे से कर ले तब आपको दिखेगा कि हमने क्या किया और हमें फल क्या मिला के देखने के लिए आपके अंदर मन की आँखें होनी चाहिए आपकी आत्मा साफ होनी चाहिए कि आपको फल दिखाई देगा कि आपको कितना बड़ा फल मिला बाबा तो कहा से पकड़ मन नहीं आ रहा है आखिर इतना ज्ञान लाओ कहाँ से है और कोई बाबा बाबा बोल बालक बोल अब मोह बिया नहीं होता है कम से कम मैं तीन चार साल से रड़ुआ तू उपाय करा बाबा और बिया कुंडली में नहीं लिखा है का लक तुम्हारा ब्याह होगा ब्याह हर किसी की रेखा पे होता है लेकिन मोए हाथ में कोनो ऐसी रेखा नहीं है मैंने बालक हाथ की रेखाओं की बात नहीं की किस्मत की रेखा और भाग्य की रेखा मज गए और मन की रेखा जितना तुम्हारा शरीर पावन और पवित्र होगा समझ लो तुमको उतनी अति सुंदर आपको कन्या मिलेगी आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे बाबा जी प्रवचन अच्छा दे थे यार बाबा जी, ओ बाबा जी। बोलो, बोलो।, नहीं बाबा। मुई आ बोलो क्या बात है बोलो अबाजी का जो है तो एक बहुत बड़ी दिक्कत आधा दिक्कत का निवारण कर बस आप बोलोगे तभी हमको पता चलेगा पहले चोरी हुई है सोना चांदी जेवर पैसा सब कुछ बनवा के रखे तो बाबा मोर जो तो पूरी जीवन भर की कमाई चुरा कुछ करा मैं भाई यार भी कीनते हूं। पुलिस चौकी में जाके लेकिन पुलिस वाले नहीं ढूंढने आए तुम कुछ कर जा बाबा ऐसा कि मोर सब कुछ मिल जाए मुझका रो मत बच्चा मैं तुझको एक मार्ग बताता हूँ जहाँ पर तेरा सारा सामान तुझको मिल जाएगा बाबा बतावा बाबा बतावा ध्यान लगा के सुनना और उस बात को याद रखना जो चोर आए थे तुम्हारे घर पे चोर उत्तर दिशा की तरफ भागे हैं चोरी करके उत्तर दिशा के भागने के बाद उन्होंने दक्षिण दिशा चुनी और दक्षिण दिशा में एक भारी तालाब है उस तालाब के बीचों बीच में उनका घर है तुम वहाँ पे जाना तुम्हारा सब चीज वहीं पे मिल जाएगा और चोर भी मिलेंगे वहाँ पर लेकिन सावधानी पूर्वक जो है तो भगवान का नाम जपते जाना में आ रहा है आबा, मैं वो चोरन को छोड़ी हूँ उत्तर दिशा और जब उत्तर दिशा मानी रोड बंद हुई तो दक्षिण दिशा रोड नहीं बंद होगी दक्षिण दिशा में तुमको दिशा में तुमको एक अस्पताल दिखेगा अस्पताल के पीछे एक बड़ा तालाब है उसी तालाब में वो लोग लो रह रहे हैं अपना घर बनाए हुए है होशियारी तो से जाना बच्चा तो उन लोगों के पास बहुत खतरनाक बंदूकें गोली सब रहती है बच के रहना भला अबा मैं पुलिस वाले साथ में लेके लेकिन एक बात का याद रखना पुलिस वाले जाएंगे साथ में तो उनसे कह देना हल्ला गुल्ला बिल्कुल ना मचाए शोर शराबा बिल्कुल ना करे शांत जाए और शांत जा करके उनको पकड़ लें तभी तुम्हारा सारा जीवन पूंजी का जितनी भी कमाई होगी तुम्हारी सब कुछ मिल जाएगा और भी लोगों को वहाँ पे सामान मिलेगा हो बाबा की जय हो बाबा जी की जय बाबा जी की जय बाबा जी की जय हो बाबा जी की जय हो बाबा जी तुम इतने जनन का सब कुछ साफ साफ बताए पड़े हो थोड़ी का बता दिया कुछ बालक पूछ बाबा जी मैं चार बार प्रधान ही लड़ू लेकिन मैं याको बन पाया पाखिर कहे अगर आपको ये उत्तर दे भी दूँ तो आप क्या करोगे बताओ पहले बाजी बताओ अगर मैं आपको ये उत्तर दे भी दूँ तो आप क्या करोगे बताओ आप इस गाँव के प्रधान क्यों नहीं बनते हो बोल बोल प्रधान प्रधान जी बोल। प्रधान जी तुम आना ना मारा भला तो तो मैं लेकिन मैं हार गए तो बताओ मैं क्या करूँ बताओ तो पहले मैं आपको ये उत्तर दे दूँ तो क्या करोगे बाबा जी मैं तुमका दू एकड़ जमीन दई हूँ अगर तुम ये उत्तर दे दया तो नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं पैसा जमीन घर यहाँ तक कि किसी की संपत्ति मुझको नहीं चाहिए बस मुझे एक रुपये दो रुपये जो भी आप अपने मन से खुशी से दे देंगे तो मैं उससे अपना अपने ये जो दो मेरे बालक हैं उनको मैं अपना पेट भरूंगा ठीक है लेकिन मैं आपको उत्तर दिए दे रहा हूँ प्रधान जी हाँ बाजा जी बतावा देखिए प्रधान जी आप गुस्सा मत होइएगा मैं इसका उत्तर उसको दिए दे रहा हूँ और इस बात को लेकर के कोई भी बहस नहीं छेड़ेगी ठीक है बाबा जी ठीक है देखो बालक बाबा जी बालक ने कहा मैं आदमी आऊँ मेरे लिए सब बालक ही है आप मेहनत बहुत करते हैं और आप इतनी मेहनत करते हैं इतनी मेहनत करते हैं कि जो आपका फल होता है ना फल वो और कोई ले जाता है हाँ बाबा जी बात तो सही है मैं घर घर जाके वोट मांगा था घर घर जाके लेकिन वोट पड़ते ही नहीं है आप गलती कर जाते हैं आप सिर्फ हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं कैंडिडेट और भी प्रधान बनने के लिए खड़े होते हैं वो आपका फल ले जाते हैं क्यों क्योंकि वो नोट पे वोट मांगते हैं समझ रहे हैं आप आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप लोगों लोगों को प्यार से दिल से अपना मानते हैं और अपना समझ के आप उनसे वोट मांगने जाते हैं और उनकी समस्या भी आप हल करते हैं लेकिन अगले लोग नोट दिखा करके वोट ले जाते हैं समझ रहे हैं ना आप इस वजह से आप हार जाते हैं खैर मैंने हकीकत बता दिया है और इस बारे में अगर आप लोग बहस करने लगेंगे तो मेरे लिए अति उत्तम नहीं है ये चीज़ ये नहीं बताना चाहिए था लेकिन एक बात और बता रहा हूँ धान जी आप भी सुन लीजिएगा हाँ आब बाबा जी कि जो मैंने सत्य बताया है इसको तो या आप मजाक मानिए या तो आप इसको कॉमेडी मान लीजिए और इस बात को लेकर के कोई चर्चा नहीं होगी और इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दी जाएगी भला और भैया बहनी भाई हरा मैं तो तुम्हों का एक बात बता दे तू जो बात मैंने बोली है उस बात को आप इग्नोर करिएगा क्योंकि मैंने यहाँ के लिए बोली अपने कैंडिडेटों के लिए आप लोगों के लिए नहीं बोली है पूरी पहले वीडियो देखिएगा फिर समझिएगा उसके बाद बात, बात करिएगा कमेंट करिएगा और जो है तो मैंने देखिए किसी को